हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शबनम फौजी वाइफ। कैसे हैं आप सब? वीडियो को देख के आपको समझ आ गया होगा कि आज का हमारे यहाँ पे पूजा का जो फंक्शन था वो है सुंदरकांड का। तो शनिवार को मम्मा ने सुंदरकांड रखा हुआ है, बस उसी का वीडियो है। वीडियो ससुराल का है तो बहुत ज़्यादा मैं कैमरा लेके नहीं घूम सकती हूँ, सो ऐसे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आज सभी ने हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, जैसे उन्होंने राम को प्रसन्न करने के लिए ऑरेंज कलर, जो भगवा कलर होता है, वो उन्होंने पहना था, वैसे हमने भी कोशिश की है हनुमान जी को खुश करने की। और भगवा कलर हमारी फैमिली में सभी ने वेयर किया हुआ है। तो बस छोटी सी अपनी मन की शांति के लिए ये सुंदरकांड मम्मा हमेशा ही करवाती हैं। तो अभी जब फौजी साहब आए हुए थे तो उन्होंने फंक्शन उन्होंने रखा, क्योंकि फौजी साहब ना बहुत छोटे थे, मम्मा बताती है, तब से ही वो हनुमान जी की पूजा करते हैं। जैसे कि भी अभी से ही वो मंगलवार का फास्ट करता है, वो व्रत रहता है, पूजा करता है। तो जैसे ही छोटे से इसकी भी आदत है, वैसे ये भी छोटे से ही हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो मम्मा ना हमेशा ही जब भी आते हैं तो सुंदरकांड ज़रूर कराती हैं। और यहाँ पे जैसे भी वीडियो बहुत ज़्यादा कुछ मैं यहाँ शूट नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थोड़ी ज़्यादा रहती है यहाँ ससुराल में। मेरे यहाँ पर पर्दा भी थोड़ा बहुत होता है बाहर के लोगों का, घर में मम्मा डैडी वगैरह इन सब का पर्दा नहीं होता है, लेकिन बाहर के जो लोग आते हैं तो हमें करना पड़ता है। तो बस थोड़ी सी मैं कैमरा लेके नहीं घूम सकती हूँ, जैसे कुछ भी है, वैसे कुछ कुछ वीडियो सी भी ने शूट किए हैं तो बस मैं वही दिखा रही हूँ। छोटा सा फंक्शन था, बस ये तीन से चार चार पाँच लगभग चार साढ़े चार घंटे लग गए थे। और ये इस तरीके से जो भी पूजा का फंक्शन की वीडियो हैं, जैसे भी मैंने शूट कर पाए हैं, सीबी ने किए हैं, कुछ किसी और को दे दिए उसने किए हैं, वैसे आपको दिखा रही हूँ। सो बने रही है व्लॉग में। तो ये कुछ झांकी थी जो ये लोग आए हुए थे जिन्होंने सुंदरकांड किया था, जो भी इनके ये पार्टी थी एक, जिसमें बहुत 8 से 10 लोग थे, जो कुछ गाने बजाने वाले, कुछ ये झांकी वाले। तो बस ये कृष्ण और राधा, ये वृंदावन, इतना प्यारा सा डांस कर रहे थे। हनुमान जी की आपने झांकी देखी, कितने ऐसा लग रहे थे रियल हनुमान जी ही आ गए। हमने इतना इन्जॉय किया, ऐसा लगा कि भगवान हमारे साथ ही है, मतलब देख के भी। और उनका जो रोल था वो भी बहुत ही, कहते हैं ना कि हमारा जैसा रोल होता है, जैसे हमारा सामने से हमें दिख रहा है, इतने प्यारे से सुंदर से सजे थे, सब बहुत झूम रहे थे, डांस कर रहे थे। जिसको नहीं भी आता था ना डांस, वो भी हम बस कुछ भी कर रहे थे, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था, बस इतना एंजॉय कर रहे थे। देखो कान्हा कैसे सबको उठा रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है मेरे यहाँ पे।
और मैं आपको सच बताऊं तो अभी ना इस टाइम इतनी गर्मी हो रही है, तो कोई भी पूजा या फंक्शन का नाम आता है या कोई भी लगता है कि हाँ घर में कोई प्रोग्राम है, तो थोड़ा सा अंदर से, बिकॉज इंसान है तो लग तो जाता ही है कि मम्मा यार कुछ ना कुछ पूजा वगैरह करती ही रहती हैं और हम थक जाते हैं। लेकिन जब हम पूजा होती है या ऐसा फंक्शन होता है फिर बाद में हम सब भूल जाते हैं, फिर हम लोग बाद में बोलने लगते हैं, मीन्स हम जो बहुएँ हैं घर की, वो स्टार्टिंग में हमें लगता है कि हम थक जाते हैं, ये वो कुछ ना कुछ मम्मा बनाई रखती हैं पूजा का प्रोग्राम। लेकिन यार पता है कि जब भी हम इसको इंजॉय करते हैं ना, बाद में हमें ऐसा लगता है कि यार कितना अच्छा लग रहा है, हम सब भूल जाते हैं, अपनी सारी थकान भूल जाते हैं, फिर हमें लास्ट में यही लगता है कि हम बहुत लकी हैं जो हमें ऐसा घर मिला है जहाँ किसी न किसी तरीके से हम भगवान का नाम ले पाते हैं। तो अभी फंक्शन कंप्लीट हो गया, पूरा टाइम हो चुका है आरती का, और आरती आपको दिखाया मैंने, आरती हो भी गई है। और ये जो प्रसाद आप देख रहे हैं, यही प्रसाद स्पेशली हनुमान जी का जो बूंदी का प्रसाद है वही रखा था, बनाना वगैरह जो सबको दिए गए थे बट स्पेशली प्रसाद जो था यही था। और इसके बाद जो खाना पीना था वो सब मैं सूट नहीं कर पाई, बिकॉज़ आपको मालूम है कि यहाँ आपको देख रहे हो किसी ना किसी ने सूट किया है, मुझे नहीं मालूम किसने किया है, बट मैं उस टाइम पर ना किचन में खाना, जो दीदी आती है खाना बनाने, वो और मेरी सिस्टर वगैरह सभी लोग खाने में लगे हुए थे, बाकी लोग, क्योंकि जो लोग आए थे सुंदरकांड करने के लिए उनके लिए हमें खाना बनाना था सभी के लिए, तो 10 से 15 लोग वो थे और बाकी कम से कम 40 से 50 लोगों का खाना हमें बनाना था, 4-5 लोग ही थे बनाने के लिए, लेकिन फिर भी तो हम बस उस टाइम पे वहाँ लगे हुए हैं, तो बाकी का जो भी था मैं सूट नहीं कर पाई, बस यहाँ तक ही मैंने सूट किया है जो आपको दिखाया। तो अभी देखिए आप प्रसाद ये सब ले रहे हैं, तो अभी तो मैं यही बोलूँगी कि आप सब भी प्रसाद ले लीजिए। मैं जानती हूँ कि प्रसाद आपको मिलेगा नहीं, बट मैं मन से आपसे, स्पेशली आप लोगों से बोलूँगी कि हनुमान जी का आशीर्वाद हम सबके साथ बना रहे और प्रसाद आप तक पहुँच सके। प्रसाद ले लो बाहर हो गया डेड इधर प्रसाद वगैरह सभी हो चुका है, और ये जो पल हैं कुछ, ये मैं आपको स्पेशली दिखाऊंगी इसलिए क्योंकि कुछ इंस्टाग्राम पे जो लोग रील्स देखते हैं वो कहते हैं आप लोग पूजा में भी ये सब करते हो, तो पूजा हमारी पूरे विधि विधान से और पूरी भक्ति के साथ हुई है, आपने कहीं रील्स बनते नहीं देखा होगा जिसने भी शूट की हैं। और ये पूजा करने के बाद, बिल्कुल सभी प्रोग्राम पूरा ख़त्म होने के बाद ये रील्स कुछ हमने यहाँ पर शूट किए हैं, तो इससे आपको ये समझ आ जाना चाहिए, आप लोगों को इस तरीके के कमेंट नहीं करने चाहिए कि आप लोग पूजा में भी रील बनाते हो। रील हम तब बनाते हैं जब पूरी पूजा कंप्लीट कर लेते हैं, पूरे श्रद्धा और के साथ हमारी पूरी पूजा खत्म हो जाती है, उसके बाद हम रील शूट करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रील होती है, नॉट अ रियल। तो आप इस तरीके के कमेंट भी ना किया करें। तो ये जो रील्स आपने मेरे इंस्टाग्राम पे देखे, ये पूरी पूजा खत्म होने के बाद, सबके जाने के बाद हम अकेले रह गए थे, उसके बाद हमने दरबार लगा था, उसी दरबार में ये कुछ रील शूट किए हैं। सो कैसे लगा आज का आपको वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और अगर नहीं भी पसंद आया हो तो फिर जय श्री राम लिख दीजिए, कोशिश पूरी करती हूँ। तो अभी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, जय कान्हा जी।